हम पैदल जा रहे हैं, हम भी बैठेंगे थोड़ा भागते हुए। हम जा रहे हैं कटहल का पेड़ देखने के लिए। मैंने अभी देखा नहीं, कभी आज देखूंगा। वैसे बस में देखा, दूर से पास में जाके नहीं देखा, जबकि हमारे मम्मा के यहाँ बहुत होते हैं कटहल। नौची ज़्यादा लग रही है, हवा भी मस्त लग रही है। बताते हैं कि जमीन के नीचे भी लगता है, जमीन के ऊपर भी लगता है। वाह, चलो देखते हैं। पता नहीं मुश्किल होगा, होंगे कि नहीं होंगे, लगे होंगे। अच्छा लगे होंगे, जमीन के नीचे भी होते, वो तो देख नहीं पाएंगे। जमीन के नीचे भी तो होते हैं, बताते हैं। वो पता नहीं, सुना तो है मैंने। चलो ठीक है, देखते हैं। ये मक्का, छल्ली, छल्ली भी कहते हैं इसे, मक्का भी कहते हैं, अड़िया भी कहते हैं, भुट्टा भी कहते हैं। दोस्तों मैं साइकिल से उतर गया, मेरे को ना बड़े प्यारे प्यारे मोर दिखे हैं। थोड़ा सेल्फी लेने की कोशिश करता हूँ, वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। चलो नहीं दिखेंगे, काफ़ी दूर हैं। क्या ये जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं ढैंचा। ये ढैंचा है, इसके उस पार जो है मक्का की खेती है, जो भुट्टा कहते हैं, छल्ली। और इस साइड में ढैंचा इसलिए लगाया ताकि बकरी भैंस ऐसे मतलब जा ना पाए कोई भी, और अगर नहीं लगाएंगे तो अंदर चले जाएंगे और फसल जो है ख़राब कर देंगे, इसलिए ढांचा लगा रखा है। मतलब ये लकड़ी लकड़ी होती खाली। नाम भी है बड़े अच्छा, ढांचा। ये सब मूंग उद्द पूरी खेती मूंग की दाल की है। मोर दिख गया मेरे को, कितना प्यारा मोर है। पास में नहीं जाऊंगा, नहीं तो भाग जाएगा फिर। कैमरा जूमिंग कर रखा है काफ़ी मैंने, काफ़ी दूर है मोर। और चलिए कटहल का पेड़ देखते हैं हम। वाह दोस्त, ये देखिए ऐसा लटक रहा है जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता हो। कटर ऐसे लटक रहे हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता लटक रहा हो। मैंने देखे हैं कि नीचे नीचे भी हो जाते हैं कटर, बिल्कुल जमीन पर रखे रहते हैं, नीचे भी होते हैं। नहीं तो इतनी ऊपर रहते। मैंने देखा था, कहीं ध्यान नहीं है, कहीं मैंने देखा था बिल्कुल नीचे रखा हुआ देखा था। मतलब कि जैसे पेड़ के पास जाएंगे ना, अपने कमर तक यहाँ पे देखा था मैंने। आ जाता ना, जमीन के नीचे भी होते हैं। नीचे का पता नहीं, वो कच्चे हैं उधर। और ये जो नीचे है, ये सब मक्के की खेती है ना, ये सब मक्का की खेती है। यहाँ सबसे ज़्यादा मक्का है इसमें, हर जगह। तो दोस्तों आज जो है मैंने देखा है पेड़ कटहल लगा हुआ। तो मैं ये सोचता था कि इतना बड़ा कटहल कैसे लटकता होगा, टूटता नहीं होगा, लेकिन देखा पास में जाके उसकी जो मजबूती है, काफ़ी मजबूती है इसकी डंडी। तो बता रहे हैं छोटे भाई कि इसको स्पेशल काटना पड़ता है, जबकि इतने बड़े बड़े कटहल हो जाते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे तीन पेड़ हैं, इसमें एक पेड़ में काफ़ी लगे हैं, बाकी दो पेड़ में दो ही चार लगे हैं। चले, वीडियो अच्छी लगी हो चाहे ना लगी हो, कटहल का पेड़ कैसा लगा। कटहल का पेड़ कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। चलिए थोड़ा और खेतों का मजा ले लेता हूँ।